समस्त भारत में नवरात्रों के 9 दिन श्री दुर्गा माँ की विशेष पूजा होती है। अतः श्री दुर्गा सप्तशती की ये भेंट मैं इन्हीं दिनों आपके हाथों में पहुंचाकर अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं और आपके अधिक से अधिक सहयोग की कामना भी करता हूं। धर्म और इतिहास के अथाह सागर में मेरा ये छोटा सा प्रयास है। प्रभु करें कि इस प्रयास से आपके दिलों में शांति, आपके घरों में समृद्धि और समस्त भारत में मंगल ही मंगल बना रहे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवतांग न्यासोक्त मात्रो बीजम् दिगबंध देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरां नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मवाच। अस्ति गुह्यत्वं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनि। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विष्मे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संख्यात चामुंडा वाराही महिषासन ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासन माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहिना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। इत्येता मात्रः सर्वः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाड्या नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायधम खेटकम तोम्रम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धार्यन्तायुधानीतं देवानां चेताय वै। नमस्त्यस्तु महारौद्रे महाघोर प्राक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमां देवी दुष्पेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिण्यवतु वाराही नैरित्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूरधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णी तदा। एवं दश दिशो रक्षेच्चामुंडा शववाहन जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखाम उद्योतीनी रक्षेद् उमा मूर्धिना व्यस्तिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेद् करणमूले तुशांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका
घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम मे सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकूबरी स्कंद्यो खड़गनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारणी हस्त्योर दंडनी रक्षेद अंबिका चांगुलीषु च नखांचूलेश्वरी रक्षेद कुक्षो रक्षेद कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनहा शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूरधारिणी नाभौच कामनी रक्षेद गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना काम कामेढ्रम गुदे महेशवासिनी कट्याम भगवती रक्षेद जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायनी गुल्फ्योर नारसिंघी च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु च श्री रक्षेद पादाधस्तलवासिनी नखान दंष्ट्रा क्रालीं च कैशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोम कूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जाव सामांसान्यस्थि वेदांसी पार्वती अंत्राणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानोदानं च समानकं वज्रहस्ताच मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपेच गंधे च शब्दे स्पर्शेच योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुः रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं स्वथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छे शुभमात्मना कवचेनाभृतो नित्यं यत्रेत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिका यम यम चिन्त्यते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्या संग्रामे सुपराजिता त्रैलोके तु भेद पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धान्विता दैवी कला भेद तस्य त्रैलोके सुपराजिता जीवेद वर्षतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याध्या सर्वे लूता विस्फोटकाद्या स्थावरम जंगमं चैव कृत्रिम चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र्यंत्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च महाबला गृह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थे मनोनतिर्भवेद्राज्ञेश तेजो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सपत सतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमंडलं धत्ते स शैलवन काननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति वराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्यः कवचं समापतम् ओम नमश्चंडिकायै। प्रिय श्रोताओं, आइए अब पीछे कहे गए देवी कवच का साधारण हिंदी अनुवाद श्रवण करें। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे ब्रह्मा जी, संसार में जो परम गुप्त और जिससे मनुष्यों की रक्षा हो और जो किसी से न कहा गया हो वह मुझसे कहिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, अति गुप्त और संपूर्ण प्राणियों को उपकारक देवी का पवित्र कवच जो है, उसको हे महामुनि तुम सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटिका और चौथी कूष्मांडा, पांचवीं स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवमीं सिद्धिदात्री, इस प्रकार ये नव दुर्गा नाम ब्रह्मा महात्मा ने कहे हैं। जो पुरुष इनको अग्नि से जलते हुए में, शत्रुओं के मध्य में, रण में, बड़े संकट में, भय पीड़ा में और शरण में कहते हैं, उनको संग्राम के संकट में कुछ अशुभ नहीं होता है और उसको आपत्ति, शोक, दुख और भय कुछ नहीं देखता हूं। और हे देवेशी, जो नित्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी वृद्धि होती है, और जो तुमको स्मरण करते हैं उनकी निस्संदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर स्थित हैं, वाराही महिष पर सवार हैं, ऐन्द्री गज पर स्थित हैं और वैष्णवी गरुड़ पर आसन किए हुए हैं। माहेश्वरी बैल पर शोभित हैं, कौमारी मयूर पर स्थित हैं, लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं और हाथ में कमल धारण करती हैं और विष्णु की प्रिया देवी हैं। ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए बैल पर सवार हैं और ब्राह्मी हंस पर स्थित हैं और संपूर्ण आभूषणों से शोभायमान हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण देवियां सब योगों से युक्त और नाना प्रकार के आभूषणों की शोभा से भूषित और अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान हैं। संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई क्रोध में भरी हुई दिखती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूशल, आयुध, खेटक, तोमर, परशु और पाश, कुंतायुध, त्रिशूल और उत्तम आयुध धनुष, इनको दैत्यों के देह नाश के लिए और भक्तों का भय दूर करने के लिए और देवताओं के लिए इस प्रकार आयुध धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रमे, तुमको नमस्कार है। हे बड़े बल वाली, हे महा उत्साह वाली, हे महाभय को नाश करने वाली, हे दुख से दर्शन देने वाली, हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, हे देवी मेरी भी रक्षा करो। ऐन्द्री देवी मेरी पूर्व में रक्षा करें और आग्नेय देवी अग्निकोण में रक्षा करें, वाराही दक्षिण में रक्षा करें, नैऋत्य में खड़गधारिणी रक्षा करें, पश्चिम में वारुणी रक्षा करें, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी रक्षा करें। ऊपर की ओर ब्रह्माणी रक्षा करें, नीचे की ओर वैष्णवी रक्षा करें, इसी प्रकार प्रेतवाहिनी चामुंडा दशों दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी मेरे आगे रक्षा करें, विजया पीठ पीछे रक्षा करें, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दक्षिण की ओर, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें और उमा सिर पर स्थित हो और मालाधरी ललाट में और यशस्विनी भ्रकुटियों की रक्षा करें, त्रिनेत्रा भ्रकुटियों के मध्य में और यमघंटा नासिका में रक्षा करें, शंखनी नेत्रों के मध्य में और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें, कपोलों में कालिका और कर्णमूल में शांकरी रक्षा करें और नासिका में सुगंधा तथा ऊपर के होंठ में चर्चिका रक्षा करें, नीचे के होंठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती, दंतों की कौमारी और कंठ देश की चंडिका रक्षा करें, और घंटी की चित्र घंटा, तालुवे की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी और वाणी की सर्वमंगला रक्षा करें, ग्रीवा की भद्रकाली और पृष्ठवंश की धनुर्धरी, कंठ के बाहर की नील ग्रीवा और नलिका की नलकुबरी रक्षा करें, दो कंधों की खड़गिनी, भुजाओं की वज्रधारिणी और हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की चंडिका रक्षा करें, नखों की शूलेश्वरी रक्षा करें, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें, दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करें और मन की शोक विनाशिनी रक्षा करें, हृदय की ललिता देवी और उदर में शूलधारिणी, नाभि में कामिनी और गुह्यस्थान की गुह्येश्वरी रक्षा करें,
पूतना कामिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की, भगवती कटकी और विंध्यवासिनी दोनों घोटों की रक्षा करें। जंघाओं की सर्वकाम प्रदायिनी महावला रक्षा करें। नारसिंघी गुल्फों की और पैरों के पीछे के भाग की तेजसी रक्षा करें। चरणों की अंगुलियों की श्रीधरी रक्षा करें और तलुओं की स्थलवासिनी, नखों की दंष्ट्रा कराली और केशों की ऊर्ध्वकेशिनी रक्षा करें। रोमों के छेदों में कौमारी, त्वचा की बागीश्वरी और रक्त मज्जा, वसा हड्डी और मेद इनकी पार्वती रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मा पद्मकोश में और चूड़ामणि कफ में रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के चाल की, अभेद्य सर्व संधियों में ब्रह्माणी वीर की और रक्षेश्वरी छाया की रक्षा करें। और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें और प्राण अपान व्यान उदान और समान इनकी वज्रहस्ता रक्षा करें और प्राणों की कल्याण शोभना रक्षा करें और योगिनी रूप रस गंध शब्द और स्पर्श की रक्षा करें। और सत्व रज तम इनकी नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। और चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें और इंद्राणी शरीर की रक्षा करें और हे चंडके मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी स्त्री की रक्षा करें और मार्ग में कुशल करने वाली सुपथा नाम देवी मेरे मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजद्वार में रक्षा करें और चारों ओर स्थित होकर विजया रक्षा करें और जो स्थान रक्षा विहीन है और कवच से वर्जित है उन सब की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करो। और जो अपने कल्याण की रक्षा करे तो कवच के बिना एक पद भी ना जावे और कवच को लेकर जहां जहां जावे वहां धन का लाभ विजय और सब कामना सिद्ध होती हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर जिस जिस काम को विचारता है उसी उसी को पाता है और बड़े अतुल ऐश्वर्य को पावेगा। और संग्राम में पराजित न होकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और कवच धारण करने से मनुष्य त्रिलोकी में पूज्य हो जाता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो इसे श्रद्धा पूर्वक और निश्चल होकर तीनों काल में पढ़ता है उसमें दैवी कला हो जाती है और तीनों लोक में अपराजित और अपमृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष जिए। और लूत विस्फोट आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम और कृत्रिम विषादि तथा सब अभिचार और मंत्र यंत्र जो पृथ्वी पर हैं, भूचर और खेचर और जलचर तथा उपदेशिक जलचर और साथ ही उत्पन्न हुए और कुल में उत्पन्न हुए और गंडमला तथा डाकिनी शाकिनी अंतरिक्षचर तथा महाबल वाली घोर डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व और राक्षस और ब्रह्म राक्षस बेताल कूषमांड और भैरव आदि दर्शन से ही चले जाते हैं कि जिसके हृदय में कवच का निवास रहता है। मान की उन्नति होती है और राजा के तेज को अधिक बढ़ाने वाला है। मनुष्य प्रथम कवच का पाठ करके फिर सप्तशती का पाठ करता है, उसका पृथ्वी भर में यश और कीर्ति बढ़ती है। और जब तक पृथ्वी पर शैल वन वृक्ष आदि हैं तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थित रहती है। और वह पुरुष महामाया के प्रसाद से मरने के उपरांत उस सुंदर स्थान को जाता है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है और परम रूप होकर शिव के संग सदा आनंद प्राप्त करता है। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम नमश्चंडिकायै जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावि विदात्री वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशोजहि। महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशोजहि। रक्तबीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी अरूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशोजहि।
शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वंदितां ध्रीयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिंत्य रूप चरितेश्च सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि नतेभ्यः सर्वदा स्वक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि स्तुब्ध भयो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चंडिके सत्तम ये त्वामर्चन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुष्टां नाश विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणे अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावंत यशस्वंत लक्ष्मीमंतं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या स्नाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी भक्त जनो दाम दत्तानंदोदय अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नी मनोर्माम देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार साग्रस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वात् महास्तोत्रं पठेन्नरः सातु सप्तशति संख्या वरमापनोति संपदाम् इति मार्कण्डेय पुराणे अर्गलास्तोत्रं समापतम्। ओम नमश्चण्डिकायै। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि रूपिणी को नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणियों के कष्ट को नाश करने वाली, तुम जय करो। और हे सर्वगते, हे देवी, हे कालरात्रि, तुम जय करो, आपको नमस्कार है। हे मधु कैटभ नाशिनी, हे ब्रह्मा को वर देने वाली, तुमको नमस्कार है। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर नाशिनी, हे भक्तों को सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज वाहिनी, हे चंड मुंड नाशिनी, हे देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का हनन करो। हे रक्त बीज विनाशिनी, हे चंड मुंड नाशिनी, हे देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का हनन करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष को मर्दन करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे वंदित चरण कमल वाली, हे संपूर्ण सौभाग्य को देने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का हनन करो। हे अचिंत्य रूप और चित्रों वाली, हे संपूर्ण शत्रु विनाशिनी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु हनन करो। हे चंडिके, हे दुख नाशिनी, सर्वदा भक्ति पूर्वक नम्र हुए मनुष्यों को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, हे व्याधि नाशिनी, भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने वालों को रूप दो, यश दो, जय दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो पुरुष निरंतर तुमको भक्ति से पूजते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का हनन करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य, आरोग्यता और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु हनन करो।
हे देवी, शत्रुओं का नाश करो और अधिक बल करो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे सब शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, कल्याण करो और उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, यश दो, जय दो और शत्रुओं का हनन करो। हे सुर और असुर, इनके शिरोरत्नों से स्पर्शित चरणों वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु नाश करो। और पुरुषों को विद्यावान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का हनन करो। हे उग्र दैत्यों के घमंड को नाश करने वाली हे चंडिके, मुझ नत हुए को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजा वाली, हे ब्रह्मा जी से स्तुति की गई हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का हनन करो। हे निरंतर कृष्ण जी से भक्ति पूर्वक स्तुति की गई हे अंबिके, हे देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे हिमाचल की पुत्री के नाथ से अर्थात शिव जी से स्तुति की गई परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का हनन करो। इंद्र ने आपको उत्तम भाव से पूजन किया है, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु नाश करो। हे देवी, तुमने अपने उग्र भुजा रूप दंडों से दैत्यों के अभिमान को नाश किया है, रूप दो, जय दो, यश दो और वैरियों का हनन करो। हे भक्त जनों को अत्यंत आनंद देने वाली अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। और मन के वृत्त के अनुसार चलने वाली और कठिन संसार सागर से पार करने वाली और सत्कुल में उत्पन्न हुई ऐसी सुंदर स्त्री दो। इस स्तोत्र को पढ़कर जो कोई नर महास्तोत्र अर्थात कीलक को पढ़ता है, वह सप्तशती संख्या के वर के समान संपत्ति को प्राप्त करता है। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप् छंदः। श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः। सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् स्वपीक्षेमवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः। सिद्ध्यान्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति। न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धे सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वा निमन्त्र्यामास् सर्वमेमिदं शुभम्। स्तोत्रं वैचण्डिकायस्तु तद्गुप्तं चकारसः समाप्तिर्नत् पुण्यस्य तां यथावन्यन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिग्रहणाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः सागणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवायत्तस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नाप्मृत्युवशं याति मृतो मोक्ष्मवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत् न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्मिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत् कश्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनयस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ओ इति भगवत्याः
कीलक स्तोत्रम समापतम। श्री चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती दुर्गा की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं व्याप्त होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। यहां भगवती देवी का कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ।
ओम नमश्चंडिकायै। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वष्टकारः स्वरात्मिकः सुधात्मक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थितः नित्यायानुच्चार्या विशेषितः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टे सृष्टिरूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गनी शूलनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिधायुधा। सौम्या सौम्यत्रा शेष सौम्येभ्यस्तति सुन्दरी परा प्राणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य यः शक्तिः स त्वं किं सतूयसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यप्तिजो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोत्महेश्वरः। विष्णुः श्रीर्ग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो अस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुद्रारैर्देवी संस्तुता मोह्यैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटवौ। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। इति रात्रिसूक्तम्। ओम श्री देव्यथर्वशीर्षम्। अब यहां अर्थ सहित देव्य अथर्वशीर्ष दिया जाता है। अथर्व वेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। ओम सर्वे वै देवा देवीम उपतस्तु काशी त्वं महादेवी थी। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? सा अब्रवीत। उसने कहा, अहम् ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम् जगत् शून्यम् चा शून्यम् च। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मस्वरूप हूं, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहम् आनंदानंदौ अहम् विज्ञाना विज्ञाने अहम् ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम् पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम् अखिलम् जगत्। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूं, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूं, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं, यह सारा जगत दृश्य मेरे में ही समाया हुआ है। वेदोऽहम् अवेदोऽहम् विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चोर्ध्वम् त्र्यक्चाहम्। वेद और अवेद भी मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं हूं, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल सब जगह मैं ही हूं। अहम् रुद्रे विर्वसु विश्चरामि अहम् आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहमित्रा वरुणा भुवौ बिभ्रमि अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विनावभौ अहम् सोमम् त्वष्टारम् पूष्णम् भगम् दधामि अहम् विष्णु मुरुक्रमम् ब्रह्माणमुत् प्रजापतिम् दधामि। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ,
त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। अहम् दधामि द्रविणम् हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुनवते। अहम् राष्ट्री संगमने वसूनां चिकितुषु प्रतिमा यज्ञानां। अहम् सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम् योनिरप्सुन्तः समुद्रे या एवं वेद सा दैवीं संपदमापनोति। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूं। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञारहों में यानी यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूं। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूं। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपदी लाभ प्राप्त करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यैः महादेव्यैः शिवायैः सततम् नमः नमः प्रकृत्यैः भद्रायैः नियतः प्रणतः समताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़ों बड़ों को, अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है, गुण साम्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंती वैरोचनी कर्म फलेशु जुष्टाम दुर्गाम देवीम शरणम प्रपद्याम महेश्वरान्नाशयित्रयी ते नमः। देवीं वाचमजनन्त्य देवास्त्वां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेश मूर्जं दुहानां धेनुर्वागस्मानु सुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवी स्कन्दमातरां सरस्वतीं अतिथिं दक्ष दुहितरं नमामः पावनां शिवां। उन अग्नि के से वरण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार होवे। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितीर ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तब ताम देवा अनवजायंत भद्रा अमृत बंदवः कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातृष्वा भ्रमिंद्रः पुनर्गुहा सकला माया च पुरुश्चैषा विश्वमाता द्विद्यो। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में अर्थात ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, वरण, मातृश्वा, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, वरण और माया, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। एषा आत्मशक्ति ही, एषा विश्वमोहिनी, पाशांकुश धनुर्बाण धरा, एषा श्री महाविद्या, या एवं वेद सा शोकम तरति। नमस्तेस्तु भगवती मातृस्मान पाहि सर्वतः। सही शास्तौ वसवः, सही शैकादश रुद्रः, सैषा द्वादशादित्या, सैषा विश्वदेवः, सोमपा असोमपाश्च, सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसी पिशाचा यक्षा सिद्धा, सैषा सत्वरजस्तमांसि, सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, सैषा प्रजापति इंद्रमनवः, सैषा ग्रही नक्षत्र ज्योतींसि, क
कला काष्ठादि काल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम्। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश अंकुश धनुर और बाण धारण करने वाली हैं, ये श्री महाविद्या हैं, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। हे भगवती तुम्हें नमस्कार है, हे माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही अष्ट वसु है, वही एकादश रुद्र हैं, वही द्वादश आदित्य, वही सोमपान करने वाले और ना करने वाले विश्वदेव, वही ये यातुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज और तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु, वही ये ग्रह नक्षत्र तारे तथा वही कला काष्ठा आदि काल रूपिणी भी हैं। पापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां व्यधिकार संयुतं वित्तिहोत्तर समन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकं एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराश्यः वाङ् माया ब्रह्म सुसस्तस्मात् खष्टं वक्त समन्वितं सूर्यो अवाम श्रोत बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युक्ततः विच्चेनवान कोरणः स्यान महदानंददायकः हृत्पुंडरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रशमनी महाकारुण रूपिणी। पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजय अधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी उन देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। उपरोक्त मंत्रों का अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती चंडिके तुम्हें नमस्कार होवे, अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर हमें मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महाकरुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मेरा नमस्कार होवे। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जनन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंतः, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्यः, यस्या जननम लोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजः, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अतेवोच्यते अज्ञेनानंता लक्ष्या जैका नैकेतिः। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नयिका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका और नयिका कहलाती हैं। मंत्राणाम मात्रिका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवी दुराचार विधातिनी नमामि भवितो अहम संसारारण वतारिणी। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थात अर्थ रूप से रहने वाली और ज्ञानों में चिन्मयातीता शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं
नमस्कार करता हूं। इदम् अथर्व शीर्षम यो अधीते सा पंचाथर्व शीर्ष जब फल मापनोति। इदम् अथर्व शीर्षम अज्ञात्वा यो अर्चाम स्थापयति शतलक्षम प्रजापत्वापि सो अर्चाम सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरम चास्य पुरुषचर्या विधि स्मृतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। 108 बार जप इसकी पुरुष चरण विधि है। दस वारम पठेद्यस्तु सद्या पाप ही प्रमुच्यते महादुर्गाणी तरती महादेव्यः प्रसादतः सायं धियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुर्य संध्यायां जपत्वा वाग सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाशून्यां महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युं तरति सा महामृत्युं तरति वा एवं वेद इत्युपनिषत्। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्यरात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है, इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। अथ नवारण विधि। इस प्रकार रात्रि सूक्त और देव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्न अंकित रूप से नवारण मंत्र के विनियोग न्यास और ध्यान आदि करें। ओम श्री गणपतिर्जयति। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रः ऋषयः गायत्री उष्णिग अनुष्टुप छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम हरीम शक्तिम क्लीम कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इसे पढ़कर जल गिराए। अथ ऋषि आदिन्यासः। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी गायत्री उष्णिग नुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्यो हरीम शक्ये नमः पाद्यो क्लीम नीलकाय नमः नाभौ ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडई विच्चैहि। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके फिर करान्यास करे। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम ह्रीम तर्जनी भ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से फिर दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम क्लीम मध्यमाभ्याम नमः। अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडाई अनामकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम विच्चई कनिष्ठकाभ्याम नमः। फिर कनिष्ठका अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडई विच्चैहि करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। फिर हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श करें। हृदयादि न्यासः। इसमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं शिखाय वश्च। ओम चामुंडई कवचाय हुम। ओम विच्चई नेत्रत्रयाई वौष्ट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडई विच्चई अस्त्राय फट। अथ अक्षर न्यासः। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। ओम ऐं नमः शिखायाम।
ओम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्रे, ओम कलीम नमः वाम नेत्रे, ओम चाम नमः दक्षिण करणे, ओम मुम नमः वाम करणे, ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे, ओम यैम नमः वाम नासापुटे, ओम विम नमः मुखे, ओम अर्चेम नमः गुह्ये। अथ दिग्न्यासा, ओम ऐम प्राच्यई नमः, ओम ऐम आग्नेयई नमः, ओम हरीम दक्षिणायई नमः, ओम हरीम नैऋत्यई नमः, ओम कलीम प्रतीच्यई नमः, ओम कलीम वायव्यई नमः, ओम चामुंडई उदीच्यई नमः, ओम चामुंडई ऐशान्यई नमः, ओम ऐं हरीम क्लीम चामुंडई विच्चै ऊर्ध्वायै नमः, ओम ऐं हरीम क्लीम चामुंडई विच्चै भूम्यै नमः। फिर ऐं हरीम अक्षमालकाई नमः, इस मंत्र से माला की पूजा करे। ओम मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नेस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्निं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले सिद्धियर्थम प्रसीद मम सिद्धय। इसके पश्चात ओम ऐं हरीम क्लीम चामुंडाई विच्चैः इस मंत्र का 108 बार जप करे। गुह्यात् गुह गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। फिर उपरोक्त श्लोक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करके सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ करें।